नबूवत का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहि सलाम से शुरू हुआ वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो इस सिलसिले को रोके ना, ये मज़ीद आगे बढ़ाए। अभी ख़त्मे नबूवत पर बहुत होशियार रहना है। मुहम्मद को सदा बेदार रहना है। अभी ख़त्मे नबूवत पर बहुत होशियार रहना है। लामानी मुहम्मद को सदा बेदार रहना है। अभी ख़त्मे नबूवत पर बहुत होशियार रहना है। तो बच्चों फिर आप मुझे बताएं क्या हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ऐसी करनी चाहिए जैसे परिंदों जानवरों। इसलिए बहुत खुश हुए और बशारत देती कि आज फिरोज कामयाब हो। जब मेरे नबी के पास जाओ, हाथ से दो देख ले जाओ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे मत जाओ जैसे आम मिलने जाओ। नहीं मालूम अल्लाह के महबूब की हाँ हाजिरी हो रही है। सहाबा किराम ने सिखाया और सहाबा किराम के जरिए हम सबको सिखाया। कुरान ने फरमाया अगर मेरे नबी की बारे का मुखातब नहीं करोगे हमारे सारे अमाल जाएंगे। आज से 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मैं इनको उठा कर दूँ ये मुश्किल है। क्योंकि नबी पाक की उम्मत है तो जब अल्लाह ताला ने हमें ये मकाम अता फरमा दिया तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी अता फरमा दिया।
आज जैसे मेरे नबी की विलादत हुई है उस पूरे साल बेटे दाखिल मांगे। और वो दरख्त जो इतना सदियों से अपनी जड़ों से नींद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों के सबसे बाप थी, लेकिन वो अल्लाह की सुनते और सब नबियों में आखिरी नबी।